मणिपुर हिंसा में फंसे छात्रों के परिजनों ने सरकार से उनकी सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई है। हिंसा के चलते मणिपुर में फोन व इंटरनेट सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें खंडवा के 3 छात्र भी शामिल हैं। खंडवा के ये तीनों छात्र मणिपुर के इम्फाल विश्वविद्यालय में फंसे हैं, जिनकी सकुशल वापसी के लिए चिंतित परिजनों ने मणिपुर प्रशासन से एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू करने की मांग की है। बालक को वहाँ पे 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, चौथे वर्ष में चल रहा है वो, और एग्ज़ाम का टाइम था। अभी उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी 4 तारीख से, उसके बाद उसकी वैकेशन लगने वाली थी, लेकिन अचानक वहाँ पर लड़ाई यहाँ छिड़ गई है, तो जिससे काफ़ी रोज से वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हॉस्टल के आसपास भी बमबारी हो रही है और गोलियाँ चल रही है, तो उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और इस स्थिति को होते हुए वहाँ पर 4-5 दिन हो चुके हैं, तो जिससे उनको ना तो प्रॉपर से खाना मिल पा रहा है, ना पानी की समस्या भी हो रही है, पीने का पानी, नहाने का पानी, सारी चीज़ों की दिक्कत आ रही है। और दूसरी स्टेट्स की जो सरकार है, उन लोगों ने डिसीजन देकर अपने सारे बच्चों को वापस बुला लिया। वहाँ पर शायद 2 या 3 स्टेट्स के बच्चे ही बचे हुए हैं, तो दूसरी स्टेट्स वाले बच्चे जो चले गए हैं उनको लेकर ज़्यादा ये डरे हुए हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर अकेले बन चुके हैं रहे हैं, और स्थिति का अभी कोई भी भरोसा नहीं है कि कब तक नॉर्मल हो पाएगी, तो ये काफ़ी डरे हुए हैं। और उनकी सुरक्षा को लेकर हम भी सरकार से यही चाहेंगे कि जैसे अदर स्टेट्स वाले सरकार ने अपने बच्चों को रेस्क्यू किया है, तो हमारे बच्चे भी हमारे तक सुरक्षित पहुंच जाए, और एग्ज़ाम वाले टाइम पे जब भी एग्ज़ाम होगी, वहाँ की स्थिति नॉर्मल होगी, हमारे बच्चों को हम वापस वहाँ पर भेज दें। कि जो मणिपुर हिंसा में हमारे खंडवा जिले के और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट करके मध्य प्रदेश लाया जाए, ताकि वे अपने परिवार के बीच में रह सके। दंगे के कारण वहाँ पर बिजली और जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसको बंद कर दिया गया है, कुछ बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लें, और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको एयरलिफ्ट करके या जो भी संसाधन हो उनको अपने राज्य लेकर के आएगी। अभी असम मेघालय के जो विद्यार्थी थे उनकी भी सरकार ने उनको निकाल लिया है, हमारी सरकार ने भी इसको संज्ञान में ले लिया है, और जल्द ही हम उन पूरे विद्यार्थियों को सुरक्षित मध्य प्रदेश लेकर के आए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।